सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। यार आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन अ 3x3 क्यूब। सो यस यार, ये है मेरा 3x3 क्यूब एंड ये बेचारा कब से साइड में पड़ा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो इसीलिए आज हम ये वाली वीडियो लेके आ चुके हैं। तो चलो इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सेसरी देखते हैं। ये था इसका स्टैंड, इसके ऊपर हम इसे ऐसे रख सकते हैं। एंड ये था इसका बैग जिसके ऊपर जिसके अंदर ये हम रख सकते हैं। इसे साइड पर रखते हैं एंड हमारे मेन क्यूब की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग करने वाले हैं हमारा काम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर गाइज आपने इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको फ्यूचर में भी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो कर लेना लाइक और सब्सक्राइब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यार हमारा फर्स्ट पैटर्न आता है चेकर बोर्ड पैटर्न। और उसे कैसे बनाते हैं, हमने बस यूट्यूब वगैरह ही करना है। फिर उसे पूरा रोटेट करके यू टू। तो इसके साथ हमारा ये क्यूब बन मतलब क्यूब पे पैटर्न बन जाता है एंड ये काफ़ी प्यारा लगता है, इसीलिए ये हमारे लिस्ट के टॉप पे है। एंड आज हम 5 ऐसे पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो अभी हम हमारे सेकंड पैटर्न की तरफ चलते हैं। सो गाइस, सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बिलीव मी। तो चलो अभी हम उसे बनाते हैं। उसे कैसे बनाना है, जहाँ से मर्जी पकड़ के यही वाले मूव्स करना जो मैं कर रहा हूँ अभी। सो गाइस, ये है हमारा पैटर्न क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब एंड ये हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर पे है, इसीलिए मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है। एंड अगर मैं इसे हमारे स्टैंड के ऊपर रखूं जस्ट लाइक दिस, तो गाइस देखो ये और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो गाइस, अब हमारे थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि है एनाकोंडा पैटर्न। एंड अगर आपको किसी भी पैटर्न को बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं ऊपर फ्लैश कर दूंगा सारे के सारे एल्गोरिदम्स जिससे आप बना सकते हो। एंड अगर आपको एल्गोरिदम समझ नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलो अभी हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न एनाकोंडा पैटर्न की ओर चलते हैं। गाइज, हमने हमारा एनाकोंडा पैटर्न भी कंप्लीट कर लिया है एंड ये हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है। एंड इसके ऊपर हर फेस के ऊपर छोटे छोटे से एल बने होते हैं एंड ये एक एनाकोंडा वाले पैटर्न में चलते हैं। जैसे ये देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये चली जा रहा है एंड फाइनली ये वापस ब्लू पे ही आ गया। तो ये काफ़ी प्यारा लगता है, इसीलिए हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर पे है। तो अगर आपको ये काफी ज्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलो अभी हम हमारे लिस्ट के फोर्थ नंबर पे चलते हैं, जो कि है क्रॉस पैटर्न। एंड पहले मैं इसे सॉल्व करके आपको मिलता हूँ, फिर हम उसे भी बनाते हैं। सो गाइस, चलो अभी हम उसे स्टार्ट करते हैं। उसे कैसे बनाना है आपको ऊपर फ्लैश हो रहा होगा और साथ में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पैटर्न या फिर क्रॉस पैटर्न, इसके ऊपर हर साइड के ऊपर एक प्लस बना होता है एंड ये काफी ज्यादा प्यारा लगता है, इसीलिए हमारे लिस्ट के फोर्थ नंबर पे है।
लेकिन फर्स्ट पे तो चेकरबोर्ड पैटर्न ही रहेगा, बाकी इसे आप देख सकते हो। मुझे तो सबसे ज्यादा प्यारा ये लगता है, एंड इसको मैं अपने स्टैंड के ऊपर आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस, ये देखो। तो चलो अभी हम हमारे फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, एंड ये तो सबसे ज्यादा बेसिक है। ये कौन सा है मैं ये भी आपको बताता हूँ, तो पहले मैं इसे सॉल्व करके आपको मिल। सो गाइस ये है हमारी लिस्ट का फाइनल नंबर जो कि है फिफ्थ, एंड ये तो सबसे ही ज्यादा बेसिक है। तो चलो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए इसकी तरफ चलते हैं। ये सबसे ईजी होता है, आप इसे मेरे साथ कर देना, तो और इसकी तो ऊपर फ्लैश करने की भी जरूरत नहीं है। देखो हमने सबसे पहले इसे डाउन करना है, इसे ऐसे करना है, फिर इसे ऊपर करके इसे राइट को कर देना है, एंड हमारा पैटर्न बन चुका है जो कि है सेंटर वाला पैटर्न, जिसके अंदर सेंटर स्वैप हो जाते हैं। लाइक इसके अंदर इन तीनों के सेंटर स्वैप हुए हैं, यहाँ का सेंटर यहाँ को आ गया, इसका सेंटर यहाँ एंड इसका सेंटर यहाँ। तो ये है वो पैटर्न, काफी प्यारा लगा मुझे तो। बाकी अगर आपको भी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो के अंदर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।